दोस्तों, जब हम लोग नया नया YouTube स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग के सामने आता है। तो पहला प्रॉब्लम जो होता है मेरे साथ जो अभी हो रहा है कि माइक्रोफोन का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, हो सकता है आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम लोग के पास एक ब्लूटूथ एयरफोन होता है तो उसके जरिए हम लोग चाहते हैं कि ब्लूटूथ में हम लोग माइक के मतलब इसका जो माइक होता है इसके मदद से हम लोग वीडियो शूट करें, बट ये तो हो नहीं पाता है। हम लोग अगर फोन के सामने आके ऐसे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आवाज जो होता है ना वो रूम में बहुत सारा गूंजते हैं तो इसीलिए आवाज उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी जो आप आवाज सुन रहे हो ना वो इसी माइक्रोफोन के जरिए से सुन रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि ब्लूटूथ एयरफोन के मदद से कैसे आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी आप बहुत दूर पे आप मोबाइल फोन या तो स्मार्टफोन को रख के आप शूट कर सकते हो। वो कैसे जो चलते हैं मेरा मोबाइल फोन पर, वहां पे जाके मैं जो ट्यूटोरियल होगा वो पूरा दिखाऊंगा। वहां पे आप एक एक चीज को ध्यान में देखना होगा। जो एप्लीकेशन का बात करूंगा वो एप्लीकेशन में बहुत सारा कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आपको एक चीज नोटिस करके वहां पे काम करना होगा। वो क्या करना होगा मैं सारा चीज आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए तो ही आप ब्लूटूथ एयरफोन से वीडियो शूट कर पाएंगे। दोस्तों, पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, जाके एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, बीटी मोनो। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप सीधा लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर लो, उसके बाद इंस्टॉल हो जाने दो। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 मिलियन डाउनलोड है, बट थोड़ा सा रेटिंग कम है। इसका रीज़न यही है कि इस एप्लीकेशन में बहुत सारा बग्स है, बट ये एप्लीकेशन अभी तो फिलहाल काम कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट जो आवाज़ जो क्वालिटी होता है ना वो थोड़ा बहुत ख़राब होता है, बट तब भी चल जाएगा। अगर आप चाहते हो आपका फेस या तो आपका वीडियो अच्छा दिखे दूर से, अगर आप स्मार्टफोन के सामने आप बात करो तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए एप्लीकेशन का मदद ले सकते हो। इसको पहले आप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद सीधा ओपन करो। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो पहले जब आप वीडियो शूट करेंगे इसके लिए आपको दो चीज की जरूरत है, बीटी मोनो और ओपन कैमरा। ठीक है, ओपन कैमरा तो आप लोग बहुत सारे लोग जो लोग यूट्यूब करते हो वो सभी लोग जानते हो कि ओपन कैमरा क्या है, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ये एप्लीकेशन को ओपन करना, उसके बाद नीचे देखो मीडियम मीडिया वॉल्यूम इसको फुल कर दो। ठीक है, उसको फुल करते आपका जो स्मार्टफोन का जो वॉल्यूम सिस्टम है वो भी शो करेगा। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने फुल कर दिया, उसके बाद सीधा आपको ऑन करना है। ठीक है, ऑन करते ही ये जो कलर है एंड्रॉइड का ना ये जल जाएगा। उसके बाद आपको एक काम करना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा ये एप्लीकेशन क्लोज ना हो। ठीक है, इसलिए आप फोन को बैक ना करो, सीधा मिनिमाइज कर दो, मतलब जिसको बोलते हैं होम बटन उसको आप कर दो। ठीक है, तो मैं एक बार मिनिमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ओपन कैमरा का जो बटन है उसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप फ्रंट कैमरा कर लो, उसके बाद सीधा आप फोन में फोन को ट्राइपॉड में लगा के आप शूट कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मतलब मुश्किल चीज नहीं है, आप कर सकते हो। दूर में स्मार्टफोन को रख के आप दूर से बात करो। तो दोस्तों, वीडियो में यही था, अगर आप लोग को पसंद आए एक लाइक कर देना, और वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा चैनल पर ऐसा वीडियो आता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।